हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला के सभी सब्सक्राइबर को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी होली। ठीक, देखिए तो हमारा चल रहा था आपका सीएमओ का सिलेबस, तो हमने सीएमओ के सिलेबस में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कंप्लीट कर लिया है। जितना वीडियो बनाया वो सारे वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, जो एग्जांपल बताया उस एग्जांपल को भी ध्यान से समझिएगा। मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया या जिन्होंने भी पीडीएफ डाउनलोड किया, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने जो स्टार्टिंग में आपको क्विक रिविजन के लिए जो टेबल बना के दिया है, जितने भी सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन को जो आपको टेबल बना के दिया है, उसे थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा। यदि सेक्शन से प्रश्न पूछा गया तो उन्हीं सेक्शन में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो पीछे आपका डिटेल में आपके जो लॉ के लैंग्वेज में जो डिस्क्राइब्ड पैटर्न में जो मैंने लिख के दिया है उसे पढ़िएगा, लेकिन उसे मैंने एक चीज कवर नहीं किया है। देखिए जो वीडियो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल बताए वो सारे के सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम से रिलेट करते हुए भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब इसे कहा जाता है आपका केस स्टडी, केस स्टडी से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम ने श्याम के साथ एक पट्टा किया या एक लीज एग्रीमेंट किया, जिसमें उसने यह आपका कंडीशन रखा कि यदि जो है श्याम 1 घंटे में 100 मील की दूरी तय करेगा तभी यह पट्टा वैलिड रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका वैलिड रहेगा, इनवैलिड रहेगा, शून्य हो जाएगा या कंडीशन शून्य हो जाएगा। ऐसे टाइप के आपसे अलग अलग टाइप के केस स्टडी से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप वीडियो में जितने भी एग्जांपल बताए गए हैं उस एग्जांपल को भी अच्छे से समझ करके थोड़ा पढ़िएगा, ताकि आपसे यदि केस स्टडी से प्रश्न पूछा गया तो आपसे सारे के सारे प्रश्न बन जाए। ठीक, तो चलिए सीएमओ के सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए आरटीआई 2005, पहली बात ये कब आया, देखिए जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है यह लोकसभा से पास हुआ है आपका 11 मई 2005 को। लोकसभा से पास हुआ 11 मई 2005 को, राज्यसभा से पास हुआ या राज्यसभा से पारित हुआ आपका 12 मई 2005 को, और प्रेसिडेंट ने इसमें सिग्नेचर किया 15 जून 2005 को। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा। जैसे कि अभी जो पिछले साल सबसे हाईलाइट में क्या था, जीएसटी में जैसे आप याद कर रहे थे कि लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, प्रेसिडेंट ने कब सिग्नेचर किया, कब यह लागू हुआ, जैसे जीएसटी अभी के समय में इतना हाईलाइटेड था उस समय, जब 2005 के जो दौर था तो 2005 के समय में आरटीआई भी उतना हाईलाइटेड था, तो उस समय इससे प्रश्न पूछे जाते थे कि लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, प्रेसिडेंट ने कब सिग्नेचर किया, कब पूरे के पूरे भारत में यह लागू हुआ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया 11 मई 2005 को, राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया 12 मई 2005 को, प्रेसिडेंट ने इसमें सिग्नेचर किया यानी राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर किया आपका 15 जून 2005 को, जबकि पूरे के पूरे भारत में यह लागू हुआ आपका 12 अक्टूबर 2005 को। इस डेट को याद रखिएगा, इस डेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ या कब लागू हुआ, तो पूरे के पूरे भारत में आपका जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो 12 अक्टूबर 2005 को आपका लागू हुआ पूरे भारत में, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में आपका आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका धारा 370 है, धारा 370 जब आपका जो जम्मू कश्मीर है उसका जब भारत में विलय हुआ था तो एक विलय पत्र के माध्यम से हुआ था, हरी सिंह के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया था, तो उसमें ये बात रखी गई थी कि यदि किसी भी प्रकार के नए अधिनियम या कानून बनाए जाते हैं तो कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करने से पहले यहाँ की जो विधानमंडल है उससे आपको पूछना पड़ेगा। ठीक, तो यानी यदि आप कोई भी अधिनियम बनाते हैं या कोई भी नया कानून लाते हैं तो उस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करने से पहले वहां के गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक, तो बस यही एक कारण है जो आपका धारा 370 है, ठीक, सॉरी जो आपका अनुच्छेद 370 है, मैं धारा बोल रहा हूं, जो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 370 है, वो अनुच्छेद 370 के कारण ही बहुत से आपके जो कानून है या अधिनियम है वो आपके जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, और यही एक कारण है आपका अनुच्छेद 370 जिसके कारण आपका आरटीआई एक्ट 2005 आपका लागू नहीं है जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखिए ये जो अधिनियम है आपका आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर यानी 6 अध्याय है और आपका 31 सेक्शन यानी 31 धाराएं हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपके टोटल 6 अध्याय है जो कि आपका 31 यानी 31 धाराओं में बटे हुए हैं। ठीक, देखिए अब ये आपका आरटीआई लाने का उद्देश्य क्या है, आरटीआई लाने क्यों लाया गया इसे समझिएगा। प्रशासन में पारदर्शिता लाने
तथा प्रशासन को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपका आरटीआई लाया गया। ठीक, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन में पारदर्शिता लाने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आपका आरटीआई लाया गया, ताकि जो सरकार जो कार्य कर रही है या जो सरकारी संस्था जो कार्य कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आए, ठीक, लोगों को उसकी जानकारी हो, इसके लिए लाया गया था आपका आरटीआई एक्ट। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि केवल एक भारत है जिसमें आपका आरटीआई लागू है, भारत के अलावा आपके 70 देश और है जिसमें वर्तमान में आपके आरटीआई लागू है। देखिए, जो आपके यूएन कंट्रीज है या यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज है उसने अपने सदस्य राष्ट्रों से यह बात कही थी कि वे अपने अपने देश में आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू करें। ठीक, तो जो आपका ये यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज है उसका जो सदस्य राष्ट्र हमारा भारत भी है, भारत भी इस यूनाइटेड नेशन कंट्री के समूह में आता है। तो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट 70 देश, ठीक, भारत के साथ 70 देश और मौजूद है जिसमें आपका आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू है। याद रखिएगा, कितने देश? 70 देश जहां पे आपका आरटीआई लागू है। अब देखिए, आरटीआई होता क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम होता क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि आपके सिटीजन ऑफ इंडिया को एक राइट देता है, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, यानी किसी भी सरकारी संस्था से संबंधित जानकारी लेने का जो अधिकार देता है, ये देता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। किसी भी सरकारी संस्था से उस संस्था से संबंधित जानकारी लेने का अधिकार देता है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। किसे देता है? सिटीजन ऑफ इंडिया को, यानी भारत के नागरिक को। ये दिया गया है आपके सेक्शन 3 यानी धारा 3 में। धारा 3 यह कहता है कि किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था से उसके कार्यों का जो है आप उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, किसमें कहा गया है? सेक्शन 3 में। देखिए, इसमें समझिएगा, जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का धारा 3 यह कहता है कि ये जो आपका आरटीआई का जो अधिकार है यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है, यानी ये विदेश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसे याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक, किसमें कहा गया है? सेक्शन 3 में। देखिए, पब्लिक अथॉरिटी मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से यानी किसी भी सरकारी संस्था से जानकारी ले सकता है। ठीक, तो ये पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन शामिल है? देखिए, सेक्शन जो है आपका 2H, ठीक, यानी धारा 2H में बताया गया है कि कौन कौन सी संस्था पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आपको बताता हूँ, आपको ही मालूम चल जाएगा। देखिए, कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी वो आपके इस पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, यानी सेक्शन 2H के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका गैर सरकारी संस्था मतलब NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO मतलब आप सभी को मालूम होगा कई संस्था चलती है, कई अनाथ आश्रम चलते हैं जो आपका गवर्नमेंट फंडिंग होता है, मतलब सरकार के द्वारा जिसे वित्त पोषित किया जाता है। ठीक, जैसे आपका जो अनाथ आश्रम चल रहा है वो अनाथ आश्रम किसी प्रकार की गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, लेकिन उसको कार्य करने के लिए सरकार थोड़ा बहुत उसे फंड देती है। तो जो आपके कुछ NGOs है, मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, गैर सरकारी संस्था, वो भी आते हैं, सरकारी संस्था आते हैं। इसके अलावा कुछ आपके निजी संस्था जो कि सरकार के नियंत्रण में है, यानी प्राइवेट है लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसको सरकार नियंत्रित कर रही है, तो वो सारे के सारे संस्था भी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अलग अलग बने हुए गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था, कुछ निजी संस्था जो कि सरकार के नियंत्रण में है, या कोई भी ऐसी संस्था जिसे सरकार फंड देती है, उसे वित्त पोषित करती है। ठीक, तो कोई भी संस्था होगी जिसे सरकार फंड देगी, वहां पे किसी ना किसी प्रकार का अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कैसे होगा, या तो उसे वो नियंत्रित करेगी या तो वो उसे फंड प्रोवाइड करेगी। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण है किसी भी संस्था पर, तो उससे आप आरटीआई के तहत सूचना हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से है? सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी संस्था या वित्त पोषित कोई भी आपकी संस्था इस सेक्शन 2H के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं। ठीक, देखिए अब जो है अगला है आपका सेक्शन 5। देखिए, सेक्शन आगे पीछे होंगे
उसे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते चलिएगा। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सेक्शन भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखिए सेक्शन फाइव में बताया गया है आपके आरटीआई अधिकारी के बारे में। ठीक, सेक्शन फाइव में आपके आरटीआई अधिकारी के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आपका बताया गया है पीआईओ मींस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी लोक सूचना अधिकारी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जिस भी राज्य में ये आपका आरटीआई लागू होगा, तो लागू होने के बाद लगभग 100 दिन के भीतर इस अधिकारी की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। ठीक, मतलब लगभग अभी तो सारे के सारे पूरे के पूरे भारत भर में ये लागू हो चुका है, लेकिन जब ये लागू हुआ था तो उस समय ये सेक्शन 5 के अंतर्गत कहा गया था कि जिस भी राज्य में लागू होगा तो लागू होने के 100 दिन के भीतर इस अधिकारी मींस पीआईओ मींस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। देखिए अब प्रोसेस होता क्या है इसे समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक आप है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी इन द सेंस, मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए कि इस साल छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कितनी हुई। वैसे सरकार तो जानकारी ऑलरेडी आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से दे दे रही है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि एक जो पब्लिक अथॉरिटी है मतलब कृषि संसाधन विभाग है, आप उसे जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट डाटा क्या है जो धान की खरीदी हुई। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे किसको, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक, आरटीआई नहीं दे रहे, एक आवेदन दे रहे हैं कि मुझे आप जानकारी दीजिए कि इस साल धान की खरीदी कितनी हुई, लेकिन वो पब्लिक अथॉरिटी ने किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया आपको। देखिए पहला स्टेप आपने एप्लीकेशन दिया, दूसरा स्टेप आपको किसी भी प्रकार का उस पब्लिक अथॉरिटी से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे, एक आप लिखेंगे आरटीआई के लिए अप्लाई करेंगे। किसके पास अप्लाई करेंगे, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक आप आरटीआई के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो PIO है ये आपका ऑर्डर देगा इस पब्लिक अथॉरिटी को कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप जो भी जानकारी मांग रहा है उस जानकारी को प्रोवाइड कराइए। ठीक, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है। आप कभी भी आज के डेट में क्या होता है, लोग डायरेक्टली ही सीधा का सीधा किसी भी सरकारी संस्था से वो जानकारी के लिए उसके पास आवेदन नहीं करते, डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर देते हैं। ठीक, क्या होता है, उनको तो मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है वो किसी प्रकार की जानकारी देगी नहीं, कोई भी सरकारी काम है सरकारी काम में लेट होता है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग डायरेक्ट आज के डेट में सीधा का सीधा आरटीआई फाइल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको पब्लिक अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यदि उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तभी आप पीआईओ के पास आप आरटीआई फाइल करेंगे। जो पीआईओ है वो आपका ऑर्डर देगा आपकी पब्लिक अथॉरिटी को, फिर उसके बाद जो है आपका पब्लिक अथॉरिटी वो आपको सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। तो ये है आपका प्रॉपर प्रोसेस आपके सूचना का अधिकार अधिनियम का। ठीक, देखिए तो यानी आपका सेक्शन 5 में बताया गया है आरटीआई अधिकारी मींस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लोक सूचना अधिकारी। अब ये केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भी हो सकता है और आपका राज्य लोक सूचना अधिकारी भी हो सकता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 6 में बताया गया है आपका आरटीआई कैसे फाइल करेंगे यानी आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देखिए ये आप है, एक व्यक्ति है, ठीक एक व्यक्ति है या इसे अपना आपको समझ के चलिए। तो आप जब कभी भी आवेदन करेंगे तो आपको तीन चीज़ करना पड़ेगा, एक आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ आपको आरटीआई का जो पर्टिकुलर एक अमाउंट डिसाइड किया गया है वो पे करने पड़ेंगे और पर्टिकुलर्स कुछ जानकारी देना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन, अब आप एप्लीकेशन कैसे किस प्रकार से दे सकते हैं इसे देखिएगा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन आपका हैंड रिटन भी हो सकता है मतलब हाथ के द्वारा लिखित भी हो सकता है, दूसरा टाइप्ड हो सकता है यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी हो सकता है। हैंड रिटन मतलब आप हाथ से लिख दिए और पर्टिकुलर आप इस पीआईओ के एड्रेस पे आप डायरेक्ट उसे पोस्ट कर दिए। टाइप्ड मतलब आप सीधा उसको टाइप किए, टाइप करने के बाद उसे लिफाफा में भरे, पीआईओ को पोस्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आप डायरेक्ट एक ये जो पीआईओ है पीआईओ के डायरेक्ट आप मेल आईडी पे सीधा का सीधा टाइप करके उन्हें मेल कर दिए। तो इन हर तरीके से आप एक एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, हैंड रिटन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी हो सकता है और आपका पर्टिकुलर आपका टाइप्ड भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए किस लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा, हमारे यहां क्या है छत्तीसगढ़ी। तो आप यदि आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो आरटीआई के लिए जो आप एप्लीकेशन है आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं।
देखिए अब जो ये आपका RTI है, RTI के लिए जो पर्टिकुलर आपको अमाउंट पे करना पड़ता है ये है आपका 10 रुपये, बहुत कम है 10 रुपये। बस एक यही रीज़न है कि हर छोटे मोटे चीज़ के लिए हमारे भारत में अभी वर्तमान में काफ़ी RTI फाइल होती है, RTI के लिए काफ़ी एप्लीकेशन जाते हैं। देखिए आप अभी जो कुछ आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें ये आंकड़े बताते हैं कि हर महीने, एक महीने में पूरे के पूरे भारत भर में लगभग 25 से 30 हज़ार RTI के एप्लीकेशन पहुँचते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आपके सरकारी संस्था है उस सरकारी संस्था से जानकारी लेने के लिए अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों से लगभग पूरे भारत भर में से एक महीने में 25 से 30 हज़ार RTI के जो एप्लीकेशन है वो आते हैं। मतलब एक साल में लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास आपके RTI के एप्लीकेशन आ जाते हैं। ठीक, तो अभी सरकार फिलहाल इस 10 रुपये के अमाउंट को बढ़ाना चाहती है ताकि लोग इसका मिसयूज ना करें, लेकिन फिलहाल अभी पर्टिकुलर आपको इस RTI के लिए 10 रुपये पे करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में आपको कुछ पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, पर्टिकुलर्स मतलब कुछ जानकारी देना पड़ेगा कि मतलब आप किस संस्था से जानकारी चाहते हैं, उस संस्था का एड्रेस क्या है, आपने कब एप्लीकेशन लिख के दिया था, कितने दिन पहले एप्लीकेशन लिखा था, पर्टिकुलर किस व्यक्ति विशेष को आपने संबोधित करते वो एप्लीकेशन लिखा था, तो ये सारी जानकारी भी आपको उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक, तो ये है आपका सेक्शन 6, मतलब RTI आप कैसे फाइल करेंगे या उसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे। ठीक, देखिए अब सेक्शन 7, अब आपने क्या किया कि जो आपका PIO अधिकारी है उसे आपने RTI का जो है एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन भेज दिया उसे। अब सवाल ये उठता है कि कितने समय में आपका जो RTI एप्लीकेशन है उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक, मतलब कितने समय में आपको उस RTI का जो आपने आवेदन दिया है उसका जवाब आपको कितने समय में मिलेगा, तो ये है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये बताता है कि आवेदन का निपटारा कितने समय में होगा या जो आपने एप्लीकेशन दिया है RTI के लिए उसका जवाब आपको कितने समय में मिलेगा। देखिए अगर आप किसी भी PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी लोक सूचना अधिकारी को आप अगर RTI का जो एप्लीकेशन देते हैं तो कम से कम 30 दिन के भीतर आपको आपके आवेदन का निपटारा, एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल है वो हो जाना चाहिए। कितने? 30 दिनों के भीतर। ठीक, 30 दिन से पहले भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिन के भीतर आपको जवाब मिल जाएगा इस PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ओर से। दूसरा, लाइफ रिलेटेड जो आपके इंफॉर्मेशन है उस केस में यदि आप RTI फाइल करते हैं तो आपको 48 घंटे के भीतर जवाब मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए पुलिस ने आपके किसी एक रिलेटिव्स को पुलिस उठा करके ले गई, अब वो व्यक्ति अभी तक घर नहीं आया, आपने पुलिस वाले के पास जाकर के जानकारी के पूछी कि जिस व्यक्ति को आपने घर से उठाया तो वो व्यक्ति अभी तक आया नहीं है और पुलिस आपको किसी प्रकार का जवाब देने के लिए आनाकानी कर रही है, तब आप क्या है, तब आप RTI फाइल कर सकते हैं। ये किसी के क्या है, लाइफ से रिलेटेड है, किसी की जिंदगी का सवाल है, तो उस केस में यदि आप RTI के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 48 घंटे के भीतर ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यानी पर्टिकुलर जो आपकी संस्था है यानी जो पुलिस स्टेशन है उसे PIO ऑफिसर जो है उसे पर्टिकुलर उसे अपने अंडर में लेकर के उन्हें बोलेगा कि इस व्यक्ति विशेष की जानकारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दीजिए। तो ये है आपका लाइफ रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, किसी की जिंदगी के सवाल से संबंधित जो जानकारी है उसके संबंधित जो निपटारा है वो 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्टी इन द सेंस, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी पब्लिक अथॉरिटी से आपका जानकारी लेना चाहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक कोई अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर किसी दूसरे अथॉरिटी से आपका जवाब चाहेगी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का जो सांस्कृतिक विभाग है वो छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग से किसी भी प्रकार का जानकारी लेना चाहता है, लेकिन जो आपका पर्यटन विभाग वो किसी प्रकार की जानकारी दे नहीं रहा है, तो एक संस्था भी दूसरे संस्था के लिए आपका RTI ला सकता है। देखिए तो ये क्या है, तो थर्ड पार्टी यही है, इसमें कोई व्यक्ति ना होकर के दो संस्था के मध्य ही आपका RTI का जो एप्लीकेशन है वो भेजा जा रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी के अंतर्गत ये आते हैं, ये जो है इसका निपटारा 40 दिनों के भीतर किया जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी आपका RTI का जो एप्लीकेशन है उसका निपटारा आपका 40 दिन के भीतर हो जाएगा। देखिए
अब नेक्स्ट है, या तो आपको जो है पीआईओ के द्वारा 30 दिन के अंतर्गत जानकारी मिल जाएगा, लाइफ रिलेटेड है तो 48 घंटे के अंतर्गत जानकारी मिल जाएगा, थर्ड पार्टी है तो आपको 40 दिनों के भीतर जानकारी मिल जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको जानकारी ना मिले। तो देखिए, जानकारी आपको दो केस में नहीं मिलेगा, या तो पर्टिकुलर जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर आपने एप्लीकेशन दिया कि मुझे ये जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी आपको नहीं मिल सकती। मान लीजिए आप क्या है, आपने भारत सरकार से एक आरटीआई फाइल किया कि मुझे राफेल डील की जानकारी दीजिए। राफेल डील जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत गोपनीय जानकारी है, ठीक, तो इस जानकारी को क्या है, किसी प्रकार से आपसे क्या किसी के साथ भी ये शेयर नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि ये देश की अखंडता का सवाल है। तो इस केस में क्या है, आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट करने के साथ साथ पर्टिकुलर आपको रीजन बताया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। उसमें बताया जाएगा कि जो राफेल डील का जो आपकी जानकारी है वो देश की गोपनीयता का सवाल है, अखंडता का सवाल है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस कारण से हम इसे आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसे आपसे जानकारी दी जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको ये जो पीआईओ के द्वारा है ये 30 दिन के भीतर अगर आपको जानकारी नहीं दी गई, यानी 30 दिन से अधिक समय लग रहा है, तो आपके पास एक और अधिकार आ जाता है, राइट टू फाइल अपील। राइट टू फाइल अपील यानी आपको अपने फाइल अपील करने का एक अधिकार आ जाता है। ये क्या होता है इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये है आपका सेक्शन 19 में, अभी पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सेक्शन 90 आएगा तो सेक्शन 90 में हम इसे कवर कर लेंगे। यदि 30 दिन के भीतर आपको आपके आरटीआई से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है तो आपको एक और अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो है आपका राइट टू फाइल अपील का, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन 8, धारा 8 में बताया गया है कि कौन कौन से संस्था या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है। देखिए पहला है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी जानकारियां है उसे उसमें आप आरटीआई नहीं कर सकते। यदि आप आरटीआई के लिए एप्लीकेशन देंगे भी तो वो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, और आपको पर्टिकुलर रीज़न बता दिया जाएगा कि ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, देश की अखंडता से, देश की गोपनीयता से या सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है जिसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, ठीक। ये है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित, मतलब आप राफेल डील का जानकारी नहीं ले सकते, या हमारे वर्तमान में हमारे भारत में कितने आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद है इसकी जानकारी आप ले नहीं सकते। देखिए आंकड़े आते हैं सामने, राफेल डील की एक राफेल विमान की कीमत कितनी है ये भी सामने आता है, लेकिन ये क्या है एक अनुमानित आंकड़े रहते, एक सर्वे रहता है, लेकिन आप पर्टिकुलर जो सरकार है, सरकार से यदि आप इसके इसका जवाब मांगेंगे तो सरकार इस मतलब गोपनीयता के कारण किसी प्रकार के आपको इसकी जानकारी नहीं देगी, ठीक। दूसरा है आपका न्यायालय या विधिक द्वारा निषिद्ध। न्यायालय या विधिक द्वारा निषिद्ध का मतलब है फॉरबिडन बाय एनी लॉ, यानी आपका किसी कानून के द्वारा पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए यदि प्रतिबंध किया गया, निषिद्ध किया गया है, मतलब फॉरबिडन बाय एनी लॉ है, तो उस क्षेत्र में भी आप पर्टिकुलर जानकारी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आपका वाणिज्यिक व्यापारिक गोपनीयता। वाणिज्यिक व्यापारिक गोपनीयता मतलब आपका ट्रेड सेक्टर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक ट्रेड सेक्टर में क्या क्या होता है, पेटेंट्स रहते हैं, कॉपीराइट्स रहते हैं, और आपके फॉर्मूलास रहते हैं। फॉर्मूला का एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए एक कंपनी है, आपके कोल्ड ड्रिंक कंपनी है पेप्सी, वैसे प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैं मान के चलिए कि जो आपकी जो पेप्सी है वो हमारे भारत सरकार की एक संस्था है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। अब पेप्सी पर्टिकुलर एक फॉर्मूला बना करके अपना प्रोडक्ट बना करके बेचती है, तो आप किसी भी प्रकार का आरटीआई फाइल करके आप पेप्सी से उसके फॉर्मूला की जानकारी नहीं ले सकते कि आप कितने कितने रेशियो में क्या क्या चीज़ें मिक्स करके अपने कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, ठीक। पेप्सी निजी संस्था है, लेकिन मान लीजिए अगर वो गवर्नमेंट बॉडी है तो आप उसने क्या फॉर्मूला यूज़ करके अपने कोल्ड ड्रिंक बनाया इसकी जानकारी आप नहीं ले सकते। तो यही बताता है आपका वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गोपनीयता, यानी सरकार के अंडर में अगर कोई वाणिज्यिक या व्यापारिक संस्था है जिसके फॉर्मूला है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, तो उससे जुड़े हुए जो भी है जानकारी आप उसमें नहीं ले सकते, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट
यानी संसद और विधानमंडल के विशेषाधिकार। यदि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी है जो कि केवल संसद के सदस्यों को जानना आवश्यक है या विधानमंडल के सदस्यों को जानना आवश्यक है, ठीक, तो उस केस में जो है वो संसद और विधानमंडल का ये विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार मतलब आप उनसे उस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं ले सकते, इन्हें संसद और विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन समझा जाएगा, ठीक। वो क्या क्या होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अधिसूचना जारी करके बता दिया जाता है, तो वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन याद रखिएगा कि संसद और विधानमंडल का जो स्पेशली विशेषाधिकार का जो हनन होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आप आरटीआई जो है फाइल नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल और कैबिनेट के निर्णयों का कारण, मंत्रिमंडल और कैबिनेट के निर्णयों का कारण या उससे संबंधित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, ठीक। यानी जो भी आपका मंत्रिमंडल या कैबिनेट, ठीक, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ वर्तमान में आपका भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके साथ लगभग 12 लोगों का कैबिनेट है, तो उनसे संबंधित जो भी उनके निर्णय लिए गए हैं, निर्णय या उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, देखिए पूरे के पूरे मंत्री की बात नहीं कर रहे, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है या जो उनके द्वारा निर्णय लिया गया है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी आरटीआई फाइल करके नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी जो झीरम घाटी जो हमला हुआ था तो उसमें जो शहीद हुए थे उनके पुत्र आपके आशीष कर्मा को अभी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दे दिया गया है, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दे दिया गया है और उन्होंने पर्टिकुलर हमारा जो कैबिनेट है ये जो निर्णय लिया गया किसमें लिया गया, ये लिया गया है आपका कैबिनेट, ये कैबिनेट का डिसीजन है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट का, कैबिनेट ने डिसीजन लेकर के जो आपके आशीष कर्मा है उन्हें पर्टिकुलर आपका डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया है। उन्होंने वैसे तो जानकारी दे दी कि हम किस रीजन से दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी है वो आपके झीरम घाटी हत्याकांड में आपके शहीद हुए थे इस कारण से हम दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जो आपके जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो आपका मंत्रिमंडल है जो कैबिनेट है वो एकदम से ही आपके आशीष कर्मा को बिना किसी रीजन के आपका डिप्टी कलेक्टर बना दिया और वो किसी भी प्रकार का रीजन देना नहीं चाहता, मतलब वो बताना ही नहीं चाहता कि हम झीरम घाटी जो आपका कांड हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था उस रीजन में हम आपके आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं, ये सूचना वो नहीं देना चाहता। तो ठीक है, तो आप इस केस में जो कैबिनेट द्वारा जो लिया गया निर्णय है उसके खिलाफ आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, यानी आप पर्टिकुलर रीजन नहीं पूछ सकते कि आपने किस अधिकार से आपने आशीष कर्मा को बनाया। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर जानकारी दे दी गई है, लेकिन बाई चांस या फॉर एक हम एक ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे कैबिनेट ने किसी भी प्रकार का आपका निर्णय लेने से, मतलब सॉरी किसी भी प्रकार का आपको जवाब देने से मना कर दिया, यानी गोपनीय तरीके से आपका आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बना दिया और किसी प्रकार का वो जवाब नहीं दे रही है, तो ये कैबिनेट के निर्णय के आप अगेंस्ट किसी भी प्रकार का आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। ये जीता था, ये हमारे सामने मौजूद एक एग्जाम्पल है, ठीक, छत्तीसगढ़ का ही। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। देखिए कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट यानी विदेश सरकार से कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपको कुछ बातें गोपनीय रखनी है, इसमें भी एक एग्जांपल समझिएगा, भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के मध्य, भारत और फ्रांस ये दोनों के सरकार के मध्य आपके राफेल डील चल रहे हैं, तो देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपको राफेल विमान की, एक राफेल विमान की कीमत कितनी है, आप सभी को मालूम है अभी का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है ये, तो ये क्या है आप इसमें आरटीआई फाइल करके नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आप क्या है उस विमान के एक कीमत की जानकारी नहीं दे सकते। आप समाचार पत्रों में सुन रहे होंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है इस कारण से सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो यही एक रीजन है। कुछ क्या है आपके जो फॉरेन के जो गवर्नमेंट होते हैं यानी जो विदेश की जो सरकार होती है उसके साथ कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन रहता है जिसके कारण आप पर्टिकुलर एक विमान की कीमत या कुछ आपके जो प्रोडक्ट है, विमान ही नहीं कोई दूसरे प्रोडक्ट है, कोई आपके हथियार है उसकी कीमत की जानकारी या उससे जुड़ी हुई किसी प्रकार की जानकारी आप ले नहीं सकते, ठीक, मतलब कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत सूचना मतलब मान लीजिए अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है कौन, भूपेश बघेल जी भी अब एक गवर्नमेंट बॉडी बन चुके हैं यानी एक पब्लिक अथॉरिटी बन चुके हैं, तो आप किसी भी प्रकार से आप ये जानकारी हासिल नहीं कर सकते कि भूपेश बघेल जी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उनकी संपत्ति कितनी है। न्यूज़ चैनल में पढ़ने मिलते हैं कि इनकी इतनी की संपत्ति है, इतनी की प्रॉपर्टी है, 5 साल पहले ये आपके मंत्री बने ना 5 साल बाद, मैं पर्टिकुलर भूपेश बघेल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे आपके मुद्दे आते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि एक मंत्री जो है मंत्री बनने से
पहले उसकी प्रॉपर्टी इतनी थी, इतने समय बाद इतनी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये एक अनुमान रहता है, एक अंदाजा रहता है, ये किसी प्रकार की एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। यही बताया गया है आपका सेक्शन 8 में कि आप किसी भी व्यक्ति से संबंधित जो व्यक्तिगत सूचना है, जो एकदम प्राइवेसी वाली चीजें है, यानी जो आपके एक मंत्री है उस मंत्री के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसकी कितनी संपत्ति है, ये सारी जानकारी आप RTI के माध्यम से नहीं ले सकते। ठीक, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कोई एक मंत्री है, मंत्री के घर आपका करोड़ों की संपत्ति है, सीबीआई को कहीं से जानकारी मिली कि उस मंत्री के यहाँ इतने इतने की संपत्ति है, सीबीआई ने वहाँ रेड मारा। तो जो आपका जो मंत्री है, अब ये मंत्री को जानना है कि किस व्यक्ति ने मेरे बारे में सीबीआई को सूचना दिया। तो सीबीआई ये भी आपका एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो क्या है मंत्री क्या है, अगर वो आरटीआई लगा करके आपसे क्या है वो व्यक्ति की जानकारी ले सकता है क्या सीबीआई से? नहीं ले सकता। वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन। अलग से मेंशन किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के कोई भी मामले में किसी भी प्रकार की गोपनीय सूचनाएं किसी के साथ भी साझा नहीं की जाएगी, उसे भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखेंगे तो आपका सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये सारे के सारे आपस में लिंक है। इसमें केवल आपके आरटीआई का एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, कौन सी संस्था शामिल है, कौन सी संस्था शामिल नहीं है, आपका पीआईओ अधिकारी कौन है, ये सारे के सारे आपके आपस में लिंक है। तो ठीक है, ये सारे के सारे चीजों को याद रखिएगा। सेक्शन 3 जो कि आपके केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेश के नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है, आपका आरटीआई एक्ट। उसके अलावा सेक्शन 5 जिसमें आपका पीआईओ मींस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 6 मतलब आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे, हैंड रिटन कर सकते हैं, टाइप्ड कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। सेक्शन 7 जिसमें आपका क्या है, आवेदन का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा। नॉर्मल केस में आपका 30 दिन के अंदर निपटारा कर दिया जाएगा, यदि किसी के जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे में इसका निपटारा किया जाएगा। थर्ड पार्टी है यानी संस्था, तो संस्था अगर कोई आपकी जानकारी हासिल करना चाहता है तो उस केस में 40 दिन के भीतर आपका इसका निपटारा कर दिया जाएगा। यदि जवाब नहीं मिला तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर आपको एक रीजन दिया जाएगा। और यदि 30 दिन के भीतर आपको जवाब नहीं मिला तो उस केस में आपको एक नया अधिकार मिल जाएगा, राइट टू फाइल अपील। ठीक, सेक्शन 8 जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र आपके आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके अंतर्गत आता है आपका नेशनल सिक्योरिटी फॉरबिडन बाय एनी लॉ, आपका ट्रेड सेक्टर, उसके बाद प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, नेक्स्ट है आपका कैबिनेट डिसीजन और आपका डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, उसके बाद है आपका जो व्यक्तिगत सूचना यानी प्राइवेसी से जो रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो, और नेक्स्ट है आपका 8th नंबर पर है इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। ठीक, तो ये सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे चीजों को याद रखिएगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 वीडियो यानी 2 वीडियो और में आपका ये वाला सारा टॉपिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये भी समाप्त हो जाएगा। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये हमारे CMO एग्जाम के साथ साथ और भी कई एग्जाम में ये आता है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। जैसे आपका ADO एग्जाम में आता है, इसके अलावा व्यापम के कई एग्जाम है जिससे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी सरल भाषा में हम इसे पढ़ेंगे, काफी आसान शब्दों में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।